Stanley on Bible presents Sound Doctrine Swasth Siddhant Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. Taiyar kiye gaye paath dwara R. Stanley Bhavan engineer bane Bible shikshak. Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं. Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें. Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उसे आप ग्रहण कर सको. Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है. I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं. I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं. But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं. But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं. But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं, जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे. Here is brother Sudhanshu Kadam. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति हो. पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए इस बाइबल के पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है. भजन संहिता 119 के 105वें वचन में यूं लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है. जी हां, जहां कहीं हम इस दीपक को लेकर के जाएंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल को लेकर के चलेंगे, वहां वहां रोशनी हो जाएगी, वहां वहां उजाला हो जाएगा. हम चाहे अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर का वचन वहां पे अपना प्रकाश ला सकता है. चाहे हम अपने जीवन में किसी भी प्रश्न से क्यों ना जूझ रहे हो, या फिर हमें कोई विषय परेशान कर रहा हो, या हम चाहे जीवन की जिस अवस्था में हो, चाहे जो उम्र हो हमारी, पवित्र शास्त्र बाइबल आपके जीवन में उजाला लेकर के आता है. धर्म विज्ञान के आधार पर इसी बात को नीति वचन के 6वें अध्याय और उसके 23वें वचन में स्पष्ट किया गया है. यहां यो लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है. तो जो हमने 105वें वचन में देखा कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है, वास्तव में उसका जो वचन है और इस वचन में पाए जाने वाली आज्ञाएं हैं, ये दीपक होती हैं. बाइबल में पाई जाने वाली जो आज्ञाएं हैं ये दीपक लिखी हैं, और जो शिक्षा है वो ज्योति है, वो उजाला है.
हम जानते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये बाइबल आज्ञाओं से भरी हुई बातें हैं और उससे ये भी प्रकट होता है कितने सारे दीपक हैं उसमें, और बाइबल शिक्षाओं से भरी हुई है, इससे ये प्रकट होता है कि इसमें उजाला ही उजाला है। प्रियो, बाइबल केवल तत्व ज्ञान की बातें नहीं करती परंतु इसमें बहुत से नुस्खे भी हैं, कुछ सरल बातें भी दी गई हैं जिसे हम अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को शांतिपूर्वक बिताते हैं। बिल्कुल इसी बात को हम भजनकार के शब्दों में देखते हैं। भजन संहिता उसके 119वें अध्याय के 99वें और 100वें वचन में देखें क्या लिखा है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा हुआ है, और मैं अपने पुरनियों से भी अधिक समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। तो भजन लिखने वाले की गवाही के शब्द हैं कि परमेश्वर के वचन को अगर मैं पकड़ के चलता हूं, उसकी आज्ञाओं को पकड़ कर चलता हूं, उसकी चितौनियों से लग करके चलता हूं, तब मैं बुद्धिमान बनता हूं, तब मैं समझदार बनता हूं, शिक्षकों से वरन पुरनियों से भी ज्यादा समझदार बनता हूं और मानव जीवन ज्ञान से आलोकित हो जाता है। बिल्कुल इसी पृष्ठभूमि पर हमने इन पाठों को तैयार करके आपसे बांटने की इच्छा रखी है और हमारे मनन का विषय इन दिनों में है मनुष्य के सोच विचार, और हम इस शीर्षक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि विचार कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने इस शीर्षक के अंतर्गत 8 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 8 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू थिंक। लेसन नंबर 1, डू नॉट थिंक टू मच ऑफ योरसेल्फ, अपने ही विषय में अधिक ना सोचें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ अर्थली थिंग्स, सांसारिक बातों में ही लिप्त न रहें। लेसन नंबर 3, डू नॉट डिजायर फॉरबिडन थिंग्स, तीसरा पार्ट था कि वर्जित वस्तुओं की लालसा न करें। लेसन नंबर 4, डू नॉट ओवर क्राउड योर माइंड, चौथा पार्ट था अपने मन को बहुत सारे विचारों से भर न दें। लेसन नंबर 5, डू नॉट कीप योर माइंड पैसिव, अपने मन को निष्क्रिय न होने दें, उसे खाली न रहने दें। लेसन नंबर 6, डू नॉट बी ओवर एंशियस अबाउट एनीथिंग, अगला पार्ट था कि किसी भी बात की चिंता न करें। लेसन नंबर 7, डू नॉट एक्सक्लूड गॉड इन योर थिंकिंग, सातवां पार्ट था अपने सोच विचार से परमेश्वर को अलग न करें। लास्ट वीक वी सॉ द 8th लेसन एंड दैट वॉज डू नॉट थिंक अलाउड इन ऑल मैटर्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था और वो था कि सब बातों में अपने विचारों को तुरंत प्रकट न करें। आज हम लोग 9वें पाठ की ओर बढ़ते हैं, हाउ नॉट टू थिंक, विचार कैसे न करें। डू नॉट रश इन टू कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकालने में उतावली न करें। मैं इसे फिर दोहराता हूं, हाउ नॉट टू थिंक। लेसन नंबर 9, डू नॉट रश इनटू कंक्लूजन्स, विचार कैसे न करें, 9वां पाठ, निष्कर्ष निकालने में उतावली न करें। हम साधारणता किसी भी विषय पर, चाहे अपने बारे में कुछ हो या दूसरों के बारे में कुछ कहना हो, तुरंत बोल देते हैं, निष्कर्ष निकालने में कोई देरी नहीं करते। हम लोग परिस्थिति का अध्ययन किए बगैर ही निचोड़ निकाल करके लोगों को सुना देते हैं। दाऊद के शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार की जल्दबाजी उसने भी किया और बाद में एहसास भी हुआ। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 31वां अध्याय और 22वां वचन, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया हूं। अपने जीवन के ऐसे समय से गुजरा जब उसे ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया हो या मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हट गया हूं। यहां पर वो अपने विषय में बात कर रहा है।
इसी प्रकार से वो दूसरों के बारे में भी उतावलीपन में बात करता है। भजन संहिता उसका 116वां अध्याय और उसका 11वां वचन लिखा है, मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं। लोगों के बारे में कह रहा है, सब के बारे में कह रहा है, एक वाक्य में कह दिया सब मनुष्य झूठे हैं। और बाद में उसे एहसास हुआ, हाय मैंने ये क्या कहा, मैंने बड़ी उतावली में कहा। वो कह रहा है, मैंने उतावली में कह दिया, मैंने जल्दी में कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अपने बारे में भी ऐसी ही गलती कर बैठते हैं, दूसरों के बारे में भी निर्णय लेने में ऐसी ही गलती कर बैठते हैं। आज का हमारा पाठ हमसे यही कह रहा है, निष्कर्ष निकालने में उतावली ना करें। उतावली में बातें करना या जल्दबाजी में आकर के कोई कार्य करना बाइबल के अनुसार बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत होती है। नीति वचन के 14वें अध्याय में और उसके 29वें वचन में लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्ता की बातें गढ़ता है। हमें उतावली नहीं करना है, किसी भी बात को कहने में या करने में जल्दबाजी नहीं करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो मूर्ख ठहरते हैं। नीति वचन का 29वां अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा है, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? क्या तूने ऐसे मनुष्य को देखा जो बहुत बोलता है, जल्दी जल्दी बोल देता है, तुरंत बोलता है? उससे अधिक तो मूर्ख से ही आशा रहती है। कहने का मतलब, केवल मूर्ख नहीं परंतु मूर्ख से भी गया बीता, क्योंकि उतावली में बोलने वाले मनुष्य से ज्यादा मूर्ख से आशा हम लोग रख सकते हैं। एक तमिल कहावत है जिसका अर्थ इस प्रकार से हिंदी में होता है कि जल्दबाजी करने वाला जो मनुष्य होता है उसकी बुद्धि हाथ भर छोटी होती है, और हमें इसी बात से बचना है। यही हमारा आज का पाठ है कि निष्कर्ष निकालने में, निर्णय लेने में उतावली नहीं करना है। प्रियो, मैं आपको अपने जीवन के 3 ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं जहां अक्सर हमसे गलतियां होती हैं और हमको उसमें उतावली नहीं करना चाहिए। पहला क्षेत्र है जब हम दूसरों के विषय में न्याय करने लगते हैं। हमको इस बात से बचना है दूसरों के विषय में कुछ बोलने से, कुछ न्याय करने से। लूका रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को डांटा है इस बारे में। वहां पर कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु को एक समाचार दे रहे हैं कि गलीलियों में से कुछ लोगों को पिलातुस ने मार दिया और उनका लहू उन्हीं के बलिदान के साथ में मिलाया। मैं 13वें अध्याय के पहले वचन से आगे पढ़ रहा हूं। ये खबर सुनने के बाद में प्रभु यीशु उनसे क्या कहते हैं, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? प्रभु यीशु चाहते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या सोचते हो। पिलातुस ने जो किया वो देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन के विचार बताओ, तुम क्या न्याय करते हो, क्या सोचते हो, क्या ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। प्रभु यीशु यहां पर दूसरों के ऊपर न्याय करने वाले, निर्णय करने वाले लोगों को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं कि पहले अपने ही गिरेबान में हमें झांकने की जरूरत है। एक और उदाहरण आपको बताता हूं, योहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय में। यहां पर एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु दृष्टि प्रदान करते हैं। यह घटना आपको पहले ही अच्छे से मालूम होगी। और यहां पर जब उस जन्म के अंधे को प्रभु के पास में लाया तो लोग पूछते हैं, हे रब्बी हमें बता कि किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा। अब इसके बाद में वे अपने विचार बता रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्या इस मनुष्य ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ। अब देखिए, हम जब किसी पर न्याय या निर्णय ले रहे हैं तो ये भी नहीं सोचते हम कि हम क्या बोल रहे हैं। जन्म का अंधा है और लोग कह रहे हैं कि इसने कौन सा पाप किया था कि यह अंधा पैदा हुआ। कहने का मतलब, पैदा होने से पहले इसने क्या पाप किया कि यह अंधा पैदा हो गया।
हम लोग दूसरों के बारे में बात करने के लिए, दोषी ठहराने के लिए, दंडित करने के लिए, नीचा गिराने के लिए यह भी नहीं सोचते कि हम अपने मुंह से बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण बात बोलते जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने इनको डांट करके इस बात को स्पष्ट किया, ना तो इसने पाप किया ना इसके मां बाप ने पाप किया है, परंतु यह अंधा इसीलिए पैदा हुआ ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जाए। प्रियो, जब हम लोग उतावली करते हैं, जब हम लोग जल्दबाजी करते हैं, तब हम परमेश्वर की योजना को उस परिस्थिति में देख नहीं पाते, उस बात का वजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर यहां क्या प्रकट कर रहा है। हम लोग उतावली में कह जाते हैं, गलत बातें कह जाते हैं। एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हम जानते हैं कि एक व्यक्ति है जो बीमार है, 38 बरस से बीमार वो बैतसैदा कुंड के पास में पड़ा हुआ है, पानी के हिलने की रास्ता देखता है, कोई सहायता नहीं करता पानी में उतारने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु वहां पहुंच जाते हैं और उसको चंगाई देते हैं। और यह सबत का दिन था। अब लोग परेशान हैं, लोग गुस्सा हो गए हैं कि सबत के दिन काम हुआ है, लेकिन प्रियो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु इस बात का भी उत्तर उनके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के 7वें अध्याय और उसके 24वें वचन में वहां पर यूं कहा कि मुंह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। प्रभु यीशु इन लोगों से जो अपने आप को बड़े धर्मी कह रहे थे, उनके सामने मूसा के बारे में भी कहा कि मूसा की आज्ञा के अनुसार तुम तो सबत के दिन खतना भी कर लेते हो, लेकिन आज सबत के दिन मैंने इस इंसान को पूरी रीति से चंगाई दिया तो तुम परेशान होते हो। इस बात का उन लोग उत्तर नहीं दे पा रहे थे। यीशु ने कहा तुम मुंह देखा न्याय करते हो, यह तुम्हारी गलती है। इस प्रकार से उतावली में आकर के कहना नहीं है। एक और उदाहरण 7वें अध्याय में हमको मिलता है। प्रभु यीशु के ऊपर दोषारोपण लगा रहे थे लोग और फिर वे चाहते थे कि उसको पकड़ लें और उसको गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। उसी 7वें अध्याय के 51वें वचन में निकोदेमुस आ गया। ये वही निकोदेमुस है जो यूहन्ना के 3रे अध्याय में वर्णन मिलता है, रात के समय जा करके प्रभु यीशु से नए जन्म के विषय में चर्चा चल रही है। निकोदेमुस वहां लोगों से कह रहा है कि क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? क्या हम उस व्यक्ति को मौका नहीं देते बताने के लिए, बोलने के लिए कि तेरा पक्ष क्या है? प्रियो, कभी कभी तो मैं पाता हूं कि विश्वासी लोग दोष लगाने के लिए, किसी को दंड देने के लिए बहुत तेजी दिखाते हैं, बहुत क्रूरता पूर्वक किसी को दोषी और पापी बना देते हैं, बजाय उन लोगों के जब तक कि जिन लोगों ने प्रभु को पहचाना नहीं, अविश्वासी लोगों में नम्रता दिखाई देती है। यहां पर मैं देखता हूं कि निकोदेमुस ने सहायता किया और निकोदेमुस बोल रहा है, निकोदेमुस ने नए जन्म की केवल चर्चा सुना है, उसका नया जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने अंदर में इस प्रकार की बात को रख रहा है, यह अच्छाई को रख रहा है, उतावली में आकर के किसी पे दोष नहीं लगा रहा है, परंतु उन दोष लगाने वालों को व्यवस्था याद दिला करके कहता है कि क्यों कर तुम उसके सुने बगैर उसको दोषी ठहराना चाहते हो। प्रियो, कई बार जब हम ऐसे उतावली में आकर के किसी के लिए निर्णय ले लेते हैं तो बाद में बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे अपने जीवन की एक गवाही बताने की इच्छा हो रही है कि मैंने भी जल्दबाजी में एक बार निष्कर्ष निकाल लिया और बहुत पछताया। एक बार मैं एक कार्यक्रम के लिए कहीं गया हुआ था और वहां पर गेस्ट हाउस में मुझको थोड़ी देर रुकने का मौका मिला और उस गेस्ट हाउस में जो रिसेप्शन पर था वो एक स्त्री थी, एक महिला थी, और उस महिला को गौर से देखने के बाद में मैंने देखा कि लिबास से महिला थी लेकिन बालों को इतना छोटा काट रखी थी, कुछ अजीब से काट रखी थी कि लड़के सरीखा दिख रही थी और कुल मिला के अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसी हॉल में प्रतीक्षालय में बैठे बैठे उसके बारे में सोचने लगा कि यहां देश विदेश के इतने सारे लोग आते हैं, बहुत जरूरी है कि थोड़ा व्यवस्थित रहें, थोड़ा सभ्य दिखें, लेकिन इस तरीके के परिवेश में, इस तरीके के वस्त्र धारण और अपने सर की बनावट रखें अच्छा नहीं लग रहा।
लेकिन प्रियो मैं बताना चाहता हूं, बाद में जब मुझको सच्चाई का पता चला तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। वो महिला पहले कोर से पीड़ित थी और उसके हाथ के उंगलियां गल कर जा चुकी थीं। अगर उस महिला के बाल लंबे होते तो वो कैसे कर उनको संवारती, कैसे बनाती? शायद इसीलिए उसने अपने बालों को छोटे छोटे काट करके रखी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि कैसे कर मैंने उतावली करके किसी के विषय में निर्णय लिया है। सारी बातों को जाने बगैर ही कई बार हम लोग अपने विचार रख देते हैं। सच तो यह है प्रियो कि हम में से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। केवल परमेश्वर ही है जो हर एक के बारे में हर एक बात को जानता है और यही कारण है कि वो न्याय कर सकता है। यदि हम दूसरों को जांचने लगेंगे तो फिर हम अपने जीवन को लोगों के विचार के अनुसार कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से अपना जीवन बिताने लगेंगे। हम इस संसार में सबको प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। हर एक व्यक्ति को खुश करने की इच्छा अगर करें तो भी नहीं कर पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके सातवें अध्याय के 33-34 वचन में देखिए, यहां यूहन्ना और यीशु के बारे में कुछ बात लिखी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कर मनुष्य है। कहने का मतलब लोगों के पास में हर परिस्थिति में कुछ बुरा कहने के लिए शब्द तैयार होते हैं। मैं तो आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि जो आपको सराहते हैं उनको सराहने दीजिए, जो आपकी तारीफ करते हैं वो तारीफ करने दीजिए, जो आपको बुरा कहते हैं उनको बुरा कहने दीजिए, लेकिन आप अपने भले कार्य में लगे रहें। आप जो कर रहे हैं उस कार्य से आप पीछे न हटें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके सातवें अध्याय के 12वें वचन में इस प्रकार से है, लोग उसके विषय में यीशु के विषय में बहुत सी बातें कह रहे थे। कोई कोई कहता था कि यीशु भला मनुष्य है, परंतु कई एक लोग कहते थे कि नहीं नहीं वो लोगों को भरमाता है। लोग भला भी कह रहे थे बुरा भी कह रहे थे, यीशु दोनों की बातों में पढ़कर के अपना समय नहीं गवाते, परंतु लिखा है यीशु तो मंदिर में जाकर उपदेश देने लगा। जी हां प्रियो, ध्यान रहे इस बात पर, निष्कर्ष निकालने में उतावली ना करें और जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं उस पर बह ना जाए, परंतु अपना ध्यान परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में करें। दूसरा क्षेत्र जहां पर हम लोग उतावली नहीं करना चाहिए वो कहना चाहूंगा, जो स्वयं के बारे में निर्णय लेने पर होता है। और इस जगह में मैं जीवन साथी का जब निर्णय करना होता है उस बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पुराने नियम से दो उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जगह वो जहां एक दुल्हन ढूंढी जा रही है और एक जहां दुल्हा ढूंढा जा रहा है। उत्पत्ति के 24वें अध्याय में आप आएंगे तो आप पाएंगे कि अब्राहम ने अपने सेवक एलियाजर से कहा कि बेटे इसाक के लिए बहू को लाना है, उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए तू जा। और जब हम इस अध्याय में देखते हैं कि एलियाजर परेशान है कि मैं कैसे करके उसके लिए कुंवारी ढूंढूं, तो वो अपने मन में एक योजना बनाता है। वो ऐसा कहता है कि जो कन्या मुझको पानी पिलाएगी और मेरे बाद में यह भी कहेगी कि मैं ऊंटों को पिलाती हूं, वही मेरे दास, वही इसहाक के लिए पत्नी बनने के योग्य होगी। और जब ऐसा होता है कि वो कुएं के पास बैठा हुआ है और गांव से बहनें चली आ रही हैं और उनमें रबेका भी थी, और वो आती है और जब ये पानी मांगता है रबेका कहती है बिल्कुल वही शब्द जैसा एलियाजर ने सोचा था कि तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी जब तक वो पी करके भर न जाए उनको पानी पिलाती रहूंगी। एलियाजर ने क्या किया? क्या वो तुरंत उछल गया कि अरे वाह मुझे मेरे परमेश्वर ने मेरे स्वामी के लिए बहू को मिलवा दिया? नहीं, वो शांत रहा।
वो चुप रहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं जिस काम के लिए निकला था मेरा काम हो गया। 21वां वचन पढ़िए, वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे से ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। वो ये सोच रहा था कि मेरा जो प्लान था ये तो इस हिसाब से बढ़िया हुआ, लेकिन परमेश्वर क्या इस बात पर अपनी मुहर लगाता है या नहीं। प्रियो, एक और उदाहरण बताना चाहूंगा जो रूत की पुस्तक में से है, और रूत की पुस्तक में हम देखते हैं कि नवमी अपनी बहू के लिए एक दुल्हा देख रही है। 3rd chapter में आइएगा, क्या क्या घटनाएं घटी आपको मालूम है। रूत खेत में जाती थी, गेहूं की बालें बीनती थी, उसके लिए बोआस कैसे कुछ और डलवा देता था, उसको डांटना नहीं बोला था, उसको सुरक्षित रखना बोला था, और इन सब बातों से लग तो रहा था कि बोआज उससे विवाह कर लेगा, लेकिन फिर भी नवमी ने कहा शांत रहना बेटा। उसने 18वें वचन में अपनी बहू से कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का क्या फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। शांत रहना, कुछ करना मत, चुपचाप रहना, उतावली मत करना। बाइबल हमें यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 28वें के 16वें में कहती है, जो कोई विश्वास रखता है वो उतावली नहीं करता, वो गड़बड़ी नहीं करता, वो जल्दबाजी नहीं करता, अपने के लिए कुछ पाने के लिए तेजी नहीं दिखाता, परंतु पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखता है। मैं जवान लड़के लड़कियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक उदाहरण एक लड़के को ढूंढने के लिए और एक लड़की को ढूंढने के लिए, अर्थात एक दुल्हन और एक दुल्हे ढूंढने के लिए, और दोनों भी किस्से में हमने देखा कि वो उतावली नहीं कर रहे हैं। प्रिय जवान भाई बहनों, अपने जीवन में जीवन साथी ढूंढने के लिए मेहरबानी करके कोई उतावली ना करना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, उतावली ना रखना। तीसरा क्षेत्र जहां हमें संयम बरतने की जरूरत है, जहां उतावली नहीं करना है, वो है विपरीत परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं, तब हमारा मन, हमारे वचन और हमारे कार्य संभल करके होना चाहिए। मैं आपको भजन संहिता की पुस्तक में ले चलता हूं, और भजन संहिता का 46वां और उसके 10वें में लिखा है, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये उस समय कह रहा है जब परिस्थितियां विपरीत हैं, जब तूफान खड़े हो गए, जब मेरे और आपके जीवन में परेशानियां आने लगी हैं, परमेश्वर कहता है शांत हो जाना। लिखा है, हमको कोई भय नहीं होगा, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में जाकर के गड़े, समुद्र गरजे, फेन उठाए, पहाड़ से उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी नहीं टलने का। परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है, हमें परेशानी की कोई जरूरत नहीं, विपरीत परिस्थिति से जरूरत नहीं है, हमारे विचार गलत नहीं निकलेंगे, हमारी बोली गलत नहीं निकलेगी, हमारे कार्य गलत नहीं होंगे। एक और बड़ा सुंदर सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, निर्गमन की पुस्तक और उसके 14वें में मिस्र देश से निकाल कर लेकर आए, मूसा के साथ में बहुत से इजरायली हैं, और इन लाखों लोगों को लेकर के जब वो जा रहा था तो समुंदर सामने आ गया, और उस समय पीछे मिस्र की सेना तलवार और भाले लेकर के दौड़ रहे थे। बहुत से इजरायली लोग इस समय कुड़कुड़ाने लगे, बुरी बुरी बातें बोलने लगे, गालियां बकने लगे, और वे मूसा से कह रहे थे कि क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं थे कि हमको गाड़ने के लिए तूने यहां जंगल में लेकर आया है। लेकिन आपको मालूम है मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार देखो। उसने अपने लोगों से कहा, शांत हो जाओ, उतावली मत करो, अपने मुंह से गलत बात मत निकलने दो, अपने मन में गलत विचार मत आने दो, कोई गलत हरकत मत करो, शांत हो जाओ, और शांत होकर के खड़े खड़े देखो परमेश्वर का उद्धार। How not to think? विचार कैसे न करें? Do not rush into conclusions. निष्कर्ष निकालने में उतावली न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीषित करें। Address for correspondence and contributions: R. Stanley, Number 13, Church Colony, Vellore, 632-006, telephone 0091-9843-9000.
707-7060.